ठीक है। और ये जो टेंपल है ये ईस्ट फेसिंग है, सन इधर है, ठीक है। तो जब सन उगता है तो इससे एलिवेटेड प्लेटफॉर्म से रिफ्लेक्ट होकर विष्णु जी के मुंह पे जाती है रोशनी। तो विष्णु जी नहीं एलिवेटेड से थोड़े रिफ्लेक्ट होते हैं, ऐसे सीधे जाती है। नहीं तो रिफ्लेक्शन इफेक्ट है ना वो, कुछ नहीं ये थोड़ी हाइट पर रखी है ना, हाइट पर रिफ्लेक्ट कराने के लिए उधर वो रखा है पोर्च, एलिवेटेड पोर्च, इस पे लगाया है रिफ्लेक्ट करके। गाड़ी खड़ी करी है वहाँ पे और जा रहे हैं वहाँ पे टेंपल जा रहे हैं, देखते हैं कैसा है। यहाँ पे आपको गाइड और राइड सब मिल जाएगा, पांडव फॉल्स और आने फॉल्स। राइड दो चीज़ बोल रहे हैं, एक बोल रहे हैं राइड, एक बोल रहे हैं गाइड। राइड किस चीज़? यहाँ पे दुकानें हैं खाने पीने की सारी, अभी बंद है, मेजॉरिटी सब बंद है। हैंडीक्राफ्ट्स और एम्पोरियम और ये सब है, सिल्क कॉर्नर, लोकल आर्ट ज्वेलरी वगैरह सब कुछ है यहाँ पे, पर अभी सब क्लोज है। ये टेंपल का कैंपस है, इसके अंदर हम चलेंगे। कोरोना की वजह से बंद है, मोबाइल स्कैन करके आप इसको पोर्शन की चीज के हिसाब से देखो। कहाँ से निकलेगा भैया स्कैन कॉपी पे करने के बाद? पे करने के बाद कह रहे हैं कि टिकट ले रहे हैं, हाँ? तो स्कैन कॉपी फ़ोन पे आएगा, कैसे आएगा? नहीं नहीं आपका फ़ोन ही पे आएगा, स्कैन करने से लिंक खुलेगा, हाँ। लिंक के बाद आप टिकट करेंगे फिर पे होगा। अच्छा, ये टेंपल का कैंपस, आप अंदर जाते घुसते ही ये व्यू है। तो मेंटेन तो है ही यार, अब मंदिर का टिकट लेना पड़ता है, 35 रुपये पड़ता है अगर आप ऑनलाइन लेते हैं तो। ये लिखा हुआ है वर्ल्ड हेरिटेज, देखो क्या नहीं है। अच्छा कैंपस है, यहाँ पूरा ग्रीनरी है, लश ग्रीन एकदम बढ़िया है। तो ये वाला जो टेंपल है, ये जो हम आए हैं, ये लक्ष्मण टेंपल। ऐसे कितने टेंपल से टोटल? 84 अभी बच, अभी 25। ये हम लोग का पहला टेंपल है जो हम आए, इतना सुंदर लग रहा है, इतना अच्छा बनाया गया है और इतना अच्छे से प्रिजर्व भी है, बहुत साफ सुथरा एकदम, बहुत ग्रीन ग्रीनरी के बीच इतनी सुंदर सी डिज़ाइन वाला टेंपल और इतनी सुंदर से ये कार्व कर रखा है, बहुत अच्छा कार्विंग है, बहुत अच्छी कार्विंग। हम तो देख मतलब इतनी इंट्रिकेट डिज़ाइनिंग है, कितनी मेहनत लगी होगी ना, कितना टाइम लगा होगा बनाने में, है ना। थोड़ी धूप ज़्यादा है, गर्मी हो रही है, लेकिन अच्छा लग रहा है। अभी अर्ली मॉर्निंग तो हवा भी थोड़ी ठंडी, 8:30 बजा है और लेकिन फिर भी गर्म है। चलो चले चलो अंदर चलते हैं, शूज़ उतारना पड़ेगा आपको, यहाँ शूज़ सबको उतारने पड़ेंगे। फ़ोटो नहीं है मेरे पास, वीडियो है, वीडियो खींच रहे हैं। चलो तुम ना खींचो। लक्ष्मण टेंपल का वो वाला है, बता रहे हैं कि वो जो टेंपल है, जो मूर्ति है विष्णु जी की, वैसे है और आगे एक रेस्ट प्लेटफॉर्म है, ठीक है।
और ये जो टेम्पल है ये ईस्ट फेसिंग है, सन इधर है, ठीक है। तो जब सन उगता है तो इससे एलिवेटेड प्लेटफॉर्म से रिफ्लेक्ट होकर विष्णु जी के मुंह पे जाती है रोशनी। तो विष्णु जी नहीं 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 एलिवेटेड से थोड़े रिफ्लेक्ट होते हैं, ऐसे सीधे जाती है। नहीं तो रिफ्लेक्शन इफेक्ट है ना वो, कुछ नहीं कुछ नहीं, ये थोड़ी हाइट पर रखी है ना, हाइट पर रिफ्लेक्ट कराने के लिए उधर वो रखा है पोर्च, एलिवेटेड पोर्च। इसमें लिखा है रिफ्लेक्ट करके जाती है, इसमें लिखा है, ये नहीं लिखा है इसमें, इसमें चंदेला रूलर यशो वर्म वर्मन बिटवीन सिक्का 930 टू 950 CE 1100 साल पहले, 1100 साल पहले बना था ये। सी मतलब एडी सी की बात होती है, सी पता नहीं बहुत पुराना, नहीं नहीं अभी का है, मतलब एक टेंपल की इसका। अभी हम लोग टेंपल का एक ऐसे परिक्रमा लेके वापस आ जाएंगे, हम लोग को फिर चलना है रानी फॉल्स भी। ये पूरा हम लोग का लाइफ का लाइफ साइकिल होता है यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। तो ये यूथ है, फिर अपना मिडिल एज लाइफ आती है, फिर अभी पूरा हम लोग जब चक्कर लगा लेंगे, जब पूरा चक्कर लगा लेंगे तब वहाँ पे ओल्ड एज के साथ ख़त्म होगा ये। अच्छा, तो ये बर्थ से लेके पूरा लाइफ साइकिल दिखाया गया है, बर्थ से लेके डेथ तक जो इंसान की जो लाइफ होती है उसको दिखाया है। ये लक्ष्मण टेम्पल की जो पेरिफेरी है उस पे आउटर वॉल पे ये सारी कार्विंग्स है, कार्विंग्स बहुत सुंदर है यार, देख के मतलब लगता है। थोड़ा मतलब बेटर लग रहा है, 3-4 बजे तक तो बुरा ही हाल हो जाए। ग्रीनरी देखो, ग्रीनरी देखो कितने अच्छे से, के बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखा है, एकदम साफ सुथरा। अकेली चीज़ है, यहाँ मुझे बस एक चीज़ अच्छी लगी कि यहाँ एक तो पॉपुलेशन कम है तो उस वजह से सफाई ज़्यादा है, मतलब गंदा नहीं है और एकदम बहुत शांत। अभी आ रहे होते ना तो बहुत यहाँ भीड़ होती। हाँ तब भीड़ होती, बहुत शांत। नाम बहुत है ना, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है भैया, हल्के में भी थोड़ी ले सकते हैं। कैसे लग रहे हैं आपको? व्यू कितना सुंदर है, देखिए कैसा लग रहा है आपको? सही सही, इतने टाइम बाद घूम के कैसा लग रहा है? इतने टाइम बाद घूम के तो अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पे अपेरेंटली यहाँ पे अब वो है मेरा दोस्त उसको देखो कैसे कर रहा है क्या? अब विदित के पास कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आए, विदित जी बताओ क्या क्या? ये जो जानवर देख रहे हो ये विष्णु जी की वो है इनकार्नेशन, राइड है क्या? इनकार्नेशन, अच्छा री इनकार्नेशन, वो पुनर्जन्म टाइप। हाँ ये पूरा सैंडस्टोन है, ये व्हाट 100% सैंडस्टोन, ये पूरा सैंडस्टोन से बना है और ये विष्णु जी का इनकार्नेशन है। इसको कैंपस बहुत ही सुंदर है, ये है बस मेन पॉइंट यहाँ पे। यहाँ सर्दी में आओ ना धूप धूप में तो ज़्यादा सही लगे। चिता बनाए रख। What a view यार, what a view। इसमें क्या है? ये विंध्याचल पर्वत से आ रहे हैं। इस पे कश्मीर कहना है, जहाँ कश्मीर।